मेरे को दिमाग के मेरे बत्ती जल रही कि भाई ये सीन है क्या, और मेरे को अब कंफर्म हो चुका हूँ कि ये घोस्ट ही है। टिल द गाय जिसका घर था जो पूजा पाठ करने वाला था, उसने मुझे बोला दैट लिटरली हैड टीयर्स इन हिज आईज। आर यू सीरियस? इज अ ट्रू स्टोरी मैन। गाइस ये देखो रात के 3 बज रहे हैं, 3 बजे रात को मैं व्लॉगिंग कर रहा हूं, मैं भी बॉडी बनाएगा फिर। ये ऐसे कैसे चालू हुआ? तो ये स्टोरी जो है आज से 35-40 इयर्स, 35 से 40 साल पुरानी है, जब मेरी मम्मी 12 से 13 साल की हुआ करती थी, बड़ी बहन हुआ करती थी। ऐसा होता था कि सांस सांस की आवाज आती थी, मैं सुना भी रही हूँ तो अभी भी मेरे को ऐसे गूज बम्स, मतलब अभी भी इतना डर है मेरे दिमाग में ना कि मतलब। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने आपसे 100 लाइक्स कंप्लीट करने को कहा था और आप सबने उसमें 1500 लाइक्स कंप्लीट कर दिए, तो उसके लिए थैंक्स। आज हम फिर से कुछ इंडियन यूट्यूबर्स को देखेंगे जिन्होंने अपने रियल लाइफ में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को एक्सपीरियंस किया है या घोस्ट और स्पिरिट्स को देखा है। ये वीडियोस हमने उन्हीं के चैनल से लिया है और वो ये खुद क्लेम करते हैं कि ये सारे वीडियोस रियल हैं, पर इस बार हम खुद भी थोड़ा एनालाइज करेंगे। अगर आपके भी कुछ ओपिनियन हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्लिप की ओर। तो नंबर 5 पर है मोटो टूरिस्ट। उनका चैनल ट्रैवलिंग और मोटो व्लॉगिंग पर बेस्ड है। उन्होंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया है सेइंग घोस्ट स्पॉटेड वाइल राइडिंग, और आज हम इसी वीडियो पर डिस्कस करेंगे। एक रात वो अपने पार्टनर के साथ एक राइड पर जा रहे होते हैं। बारिश के वजह से उनका निकलना काफ़ी लेट हो गया था और रात बहुत हो गई थी। वो राइड करते करते शहर से बाहर आ गए थे और आगे उन्हें 10-15 किलोमीटर जंगल और सुनसान रास्तों से जाना था। कुछ देर बाद सुनसान रास्ते में जाते वक्त उन्हें रास्ते पर एक औरत दिखती है जिसने दुल्हन जैसे कपड़े पहने थे और सर पे फूल भी लगाया था, और ये चीज़ उन्हें काफ़ी अजीब लगी। ये चीज़ उनके कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी और वो दिखने में कोई नॉर्मल इंसान जैसी नहीं थी बल्कि काफ़ी डरावनी थी। उनका कहना ये था कि उस वक्त वहाँ पे रात के 10 बज रहे थे, वहाँ आसपास कोई गांव या कोई शहर नहीं था, और इतनी रात को वहाँ एक औरत सफ़ेद कपड़ों में आखिर क्या कर रही थी। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि देखने पर उस औरत का कद किसी नॉर्मल इंसान जैसा नहीं था बल्कि काफ़ी बड़ा था। और उनका यह भी कहना है कि जैसे ही वो औरत उनके साइड से पास करती है, वो पीछे मुड़ के देखते हैं और वो औरत वहाँ पर नहीं होती, वो गायब हो चुकी होती है। तो इस बारे में आखिर आपका क्या ओपिनियन है? तो नंबर 4 पर है अंकुर कश्यप व्लॉग्स। उन्होंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया है दैट सेज रियल घोस्ट कॉट ऑन कैमरा। इस वीडियो में उन्होंने अपनी एक पुरानी वीडियो क्लिप शेयर करी है। वो बताते हैं कि एक दिन वो अपने फ़ोन स्टोरेज को क्लीन कर रहे थे। क्लीन करने के लिए वो अपने पुराने वीडियोस को चेक कर रहे थे और डिलीट कर रहे थे। तभी उन्हें अपनी एक पुरानी वीडियो मिली जिसमें उन्होंने अनजाने में कुछ बहुत ही अजीब और डरावना रिकॉर्ड किया था। तो भाई मैंने ये वीडियो चलाई, और ये वीडियो चलाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मेरे को ये नहीं करना चाहिए था। तो अब कन्फर्म हो चुका हूँ कि ये घोस्ट ही है। उसके बाद उस वीडियो में आगे वो उस क्लिप को शेयर करते हैं जिसके बारे में वो बात कर रहे थे, और उसमें कुछ ऐसा होता है। उन्होंने देखा वो इंसान जो उनके गाड़ी के सामने जा रहा था वो कहीं गायब हो गया। वो अच्छे से बताते हैं कि वो एक घोस्ट हो सकता है और वो सारे एक्सप्लेनेशंस भी देते हैं। इनफैक्ट कुछ लोगों ने कमेंट्स में ये भी बताया था कि उस चीज़ की कोई शैडो फॉर्म नहीं हुई थी जो उनके गाड़ी के सामने जा रही थी। तो आखिर उस क्लिप के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो नंबर 3 पर है करण सिंह मैजिक। ही इज़ ए मजिशियन जो यूट्यूब पे मैजिक ट्रिक के वीडियोस डालते हैं।
उन्होंने अपने सेकेंड चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें वो समय रैना और उनके कुछ दोस्त हॉरर स्टोरीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं और तभी वो अपने लाइफ की सबसे हॉरिफिक एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। और उनकी स्टोरी कुछ इस टाइप की होती है कि वो अपने दोस्तों के साथ एक फार्म हाउस में गए थे। उस फार्म हाउस में उनके दोस्तों ने उनसे एक स्कैरी चैलेंज करने को कहा और उस स्कैरी चैलेंज को करते वक्त उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो वो आज भी नहीं भूल पाए हैं। और ये कहानी एक्चुअल में बहुत ज़्यादा डरावनी है, तो आगे आप उन्हीं से सुनिए कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। तो उस बंदे ने बोला आपको बस बाहर अंधेरे में खड़ा होना है 5 मिनट के लिए, सब 10-10 हज़ार रुपए देंगे। सबसे स्ट्रॉन्ग, हाँ उसने बोला जो भी बाहर खड़ा हो पाता है सब लोग उसको 10-10 हज़ार रुपए देंगे, बस 5 मिनट के लिए अंधेरे में खड़ा होना है, फोन अंदर छोड़ना है, चाबी अंदर छोड़नी है, सब। तो मैंने सोचा कि मैं कर लेता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, आई विल गो स्टैंड आउटसाइड एंड आई विल अटेम्प्ट दिस। वन फॉर द टीम। मैंने अपना फोन छोड़ा, मैंने अपनी गाड़ी की चाबी छोड़ी, मैंने अपने घर की चाबी छोड़ी एंड हमने एक रूल बनाया दैट अगर मेरे को डर लगता है ऑल आई हैव टू डू इज जस्ट नॉक ऑन द डोर, दैट इज ऑल आई हैव टू डू एंड दे विल हैव टू ओपन द डोर। और वो ऐसा दरवाजा होता है हैंडल होता है ऐसे खींचने वाला, वो हैंडल था। तो मैं बाहर गया एंड मैं खड़ा हुआ, पहला एक मिनट मैं बिल्कुल यहाँ वाला जो यहाँ पे इस कमरे में हम थे, ये वाला कमरा यहाँ पे था, वहाँ पे मैंने सर टिका के मैं खड़ा हो गया कि ठीक है 5 मिनट है, कुछ नहीं होता। कुछ 30-40 सेकेंड हुए थे, पीछे मेरे गर्दन पे रोंगटे खड़े होने शुरू हो गए क्योंकि अंधेरा में फटती है कुछ भी कर लो, दिमाग में भी इतना बैठ गया कि नहीं फटेगी। तो मैंने ना थोड़ी सी ऐसे हॉलवे में वॉक करनी शुरू कर दी और यहाँ पे जो ड्राइंग रूम था वहाँ पे जरा सी मूनलाइट आ रही थी, तो मैं उसके पास जाता जा रहा था अपने आप को बचाने के लिए। 2.5-3 मिनट हो गए थे, मेरी आंखों की जो थी अंधेरे को गेट यूज्ड टू हो गई थी और मुझे थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो गया था, पहले तो बिल्कुल अंधेरा था कुछ भी नहीं दिख रहा था, देन आंखें वर अकस्टम्ड एंड आई स्टार्टेड वॉकिंग स्लोली। 2.5 मिनट हुए थे अंदर बैठे, इन गांडुओं ने सोचा मेरे ऊपर एक प्रैंक प्ले करेंगे, उन्होंने करा टक 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 कच 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 टक 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 कच 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 अंदर से मेरी भाड़ने के लिए, मेरी फट गई एक जैंट की और उन्होंने हंसना शुरू हो गया। फिर उन्होंने दरवाजा खोला, हाँ तेरी फट गई तेरी फट गई तेरी फट गई। मैंने बोला बहन जो मेरी तो नहीं फटी थी, तुमने अंदर से दरवाजा इतनी जोर जोर से दबाना शुरू कर दिया और ये करना शुरू कर दिया। अंदर गया हमें कमरे में, उन्होंने दरवाजा बंद करा, उन्होंने बोला अरे तूने बाहर से दरवाजा मारा है, हमने थोड़ी कुछ करा है। बोला मैंने नहीं कराया गांडू मत बनो, तुम चारों ने अंदर से दरवाजा फाड़ा है, तुमने खच 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 करा है, तुमने दर हैंडल खींचा है। एंड आई सेड मैंने नहीं, अरे मैंने नहीं करा है, तुमने करा है। एंड दिस वेंट बैक एंड फोर्थ फॉर लाइक 10-15 मिनट्स टिल द गाय जिसका घर था जो पूजा पाठ करने वाला था उसने मुझे बोला दैट लिटरली हैड टीयर्स इन हिज आईज, ही सेड मैं कसम खाता हूं करण हमने अंदर से ना दरवाजा पे मारा है ना हमने खट 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 करा है, तूने करा है तो प्लीज बता दे। मैंने बोला भाई मैंने नहीं करा, मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैं ये सेंटेंस बोल ही रहा था और हम पांचों अपने कमरे में, जो लाइट थी वो जरा सी ऐसी फ्लिकर करती है एंड वी टर्न्ड द डोर एंड द डोर गोस पूरा टाइम एंड व्हाइल वी आर इनसाइड द रूम एंड देयर्स ऑल ऑफ अस आर इनसाइड येट द डोर मूव्स। और उसके बाद ये थे रात के 3:30 बजे, 3:30 से रात को 4:30-5 बजे तक वी कुड हियर आउटसाइड समबडी वॉकिंग इन दैट हॉलवे एंड वी कुड हियर for an hour and a half. Are you serious? It's a true story, man. Absolute true story. नंबर टू पर है हम सबके फेवरेट ट्रिगर्ड इंसान। ही इज अ रोस्टर और वो काफी फेमस यूट्यूबर हैं। वो अपने चैनल पे एक सीरीज डालते हैं स्टोरी टाइम वीडियोस, जिसमें वो अपने पुराने स्टोरीज को शेयर करते हैं। उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो अपलोड किया था सेइंग द हॉन्टेड हॉस्टल स्टोरी टाइम। इस वीडियो में वो अपने मम्मी के साथ हुई उनके हॉस्टल की एक पैरानॉर्मल स्टोरी शेयर करते हैं और ये स्टोरी एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा डरावनी है। तो ये स्टोरी जो है आज से 35-40 ईयर्स 35-40 साल पुरानी है, जब मेरी मम्मी 12-13 साल की हुआ करती थी एंड वो यूनाइटेड क्रिश्चियन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है सूरनसी जलंधर में पंजाब में, वहाँ पे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा करती थी, तो वहीं पे वो हॉस्टल में ही रहती थी। बहुत हॉन्टेड था वो, एक्चुअली वो ना कब्रिस्तान पे बना हुआ था। मतलब मैं अभी बात कर रही हूँ तो मेरे को ऐसे गूज बम्स आ रहे हैं, अभी तक उस चीज़ का इफेक्ट है मेरे पे। उस हॉन्टेड हॉस्टल में ट्रिगर्ड इंसान के मम्मी और उनके दोस्तों के साथ कई सारे इंसिडेंट्स हुई हैं और वो एक एक करके सारे इंसिडेंट्स शेयर करते हैं। सबसे पहले इंसिडेंट के बारे में अगर बात करें तो उनकी एक दोस्त थी जो रात के टाइम पे वॉशरूम यूज़ करने गई थी, तभी वहाँ पे लाइट भी नहीं था और सब कुछ अंधेरा था। तब वॉशरूम के अंदर उन्होंने अपने हाथ एक डब्बे में रखे पानी से धोया,
धोने के बाद वो वहाँ से बाहर आई। बाहर आने के बाद वहाँ पर करंट आ गया और करंट आते ही जो उन्होंने देखा वो एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा खौफनाक और काफ़ी ज़्यादा वियर्ड था। टोपी बाहर आई घबरा के एंड इतनी देर में लाइट वापस आ गई एंड वो क्या देखती है, उसके हाथ पे खून ही खून। उस डब्बे में पानी नहीं था, खून था। एंड ये देख के टोपी इतनी तेज चिल्लाई एंड व्हाट माय मॉम टोल्ड इज कि वो उसके बाद पागल हो गई एंड उसको उस हॉस्टल से शिफ्ट आउट कर दिया गया। हमें ऐसा होता था कि जब एक बार हम लेट गए ना बेड पे और लाइट्स ऑफ हो गई तो एकदम सुनसान हो जाता था। ऐसा होता था कि सांस सांस की आवाज़ आती होती थी। मैं सुना भी रही हूँ तो अभी भी मेरे को ऐसे गूज बम्स, मतलब अभी भी इतना डर है मेरे दिमाग में ना। फिर आगे उस वीडियो में वो अपना एक और इंसिडेंट शेयर करते हैं जिसमें उनके एक दोस्त यूटिलिटी रूम में कुछ कैंडल्स लाने गई थी और कैंडल्स लाते समय उस रूम में उन्होंने ऐसा कुछ देखा जो शायद हम नॉर्मली कभी नहीं देख सकते। तो हेडगल पानी बहुत ही जाबाज एकदम निडर वो और उनकी एक फ्रेंड उठी एंड यूटिलिटी रूम में कैंडल्स लेने के लिए गई। जैसे ही उन्होंने यूटिलिटी रूम का दरवाजा खोला उनके सामने जमीन से लेके छत तक एक वाइट इमेज खड़ी हुई। मुझे लिटरली नरेट करते हुए भी कि वो इंसिडेंट कैसा होगा, ऐसे गूज बम्स आ रहे हैं। और जो विंडो के साथ वाली थी ना उसको वो बता रही थी कि उसको ऐसे रियलाइज होता था कि अंदर, मतलब विंडो में कोई हाथ डाल के मेरे को खींच रहा है। वो वहां पे लिखा हुआ था कि ये कब्रिस्तान हुआ करता था। जैसे हम अपना बस से उतरे और अंदर घुसते थे ना तो वहां पे एक ऐसे छोटी सी वो पत्थर लगा हुआ था, उसके ऊपर क्रॉस का साइन था और उस पे लिखा हुआ था कि ये पता नहीं क्या नाम था, अब तो बहुत साल हो गए, भूल गई मैं कि किसकी कब्र है ये। उनके मम्मी के एक्सप्रेशंस और उनके बिहेवियर को देख के तो यही लगता है कि वो आज तक उन चीज़ों को नहीं भूल पाई हैं और वो कहानियाँ आज भी उन्हें सताती हैं। तो इस वीडियो में नंबर वन पर है मिथ पैट। ही इज़ ए गेमर एंड ए वेरी पॉपुलर यूट्यूबर। कुछ टाइम पहले उन्होंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था सेइंग आई फाउंड ए घोस्ट इन माई रूम 3 AM। इस वीडियो में वो रात के 3 बजे व्लॉग कर रहे थे तभी वहाँ उनका कंप्यूटर अपने आप स्टार्ट हो जाता है। वो अपने आप किसी वीडियो कॉल रूम में एंटर हो जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। अभी बॉडी बनाएगा फिर ये ऐसे कैसे चालू हुआ? मेरा वेबकैम वहाँ पे कैसे आया? हाय। वो, हे, यू कैन हियर मी? या? तो उनके साथ उस वीडियो कॉल में कुछ रैंडम लोग भी होते हैं। आगे उस वीडियो कॉल पे उन रैंडम लोगों के साथ कुछ अजीब होता है और उनके साथ कुछ ऐसा होता है जो देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और ये क्लिप काफी ज्यादा हॉरिफाइंग है। Where are you from? Yeah, yeah. Is that just me? Okay, see that. Mumbai se hoon main. Ariana ko kya ho raha hai? Sam Ariana kya chal raha hai? Are you okay? इन सब के बाद मिथ पैट के कैमरे में एक ट्रांसपेरेंट सा ह्यूमन बॉडी शेप्ड चीज अपीयर करता है जो कि एक स्पिरिट या घोस्ट हो सकता है। सोफिया और मैं ही बात कर रहा हूं। There's something behind you. There's something. तो अगर कुछ लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर स्मिथ पैट वाले वीडियो में हुआ क्या और उनके साथ क्या हुआ तो लेट मी टेल यू कि इट वॉज जस्ट ए हॉरर गेम कॉल्ड लॉलीपॉप। तो ये एक लॉलीपॉप नाम का गेम था और ये गेम ही यही सब चीज कर रहा था। तो ये वाला कोई सीरियस हॉरर क्लिप नहीं था, ये बस एक फन सेगमेंट था आप लोगों के लिए टू चिल एंड रिलैक्स। और हाँ,
जो मिथपैट का वो वीडियो कॉल एंटर हुआ वो उस गेम का हिस्सा था, और उनका जो घोस्ट जैसा कुछ अपीयर हुआ वो उस गेम ने ही एक ग्लिच सिमुलेशन टाइप का क्रिएट किया था। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें। हम इस वीडियो का लाइक एम 500 प्लस लाइक्स रखते हैं। अगर इस पे 500 प्लस लाइक्स हो जाते हैं तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी रिलीज़ करेंगे। ऐसे ही और भी डार्क और हॉरर कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल हॉरर नाइट्स हिंदी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।